स्मृति, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्पेशल है, वो इस मायने में कि आज मैं आप लोगों को झारखंड स्पेशल टॉपिक के लिए बुक लिस्ट बताऊंगी कि कौन सी किताबों को पढ़नी है और किस किताब को नहीं पढ़नी है और क्यों नहीं पढ़नी है और पढ़नी है तो क्यों पढ़नी है। ये जो मेरा आज का जो क्लास है वो उन सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो झारखंड SSC CGL की तैयारियों में लगे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था, स्टडी विथ स्मृति चैनल पे भी आ रहा था और साथ साथ व्हाट्सएप पे भी वो लगातार कमेंट मुझे कर रहे थे कि किस किताब को पढ़ी जाए झारखंड स्पेशल टॉपिक के लिए। तो आज के क्लास में मैंने ऐसे ही प्रश्नों को शामिल किया है और कुछ आपके और भी अन्य कमेंट जो मुझे लगातार मिल रहे हैं तो उन जिसमें आप लोगों की कुछ समस्याएँ हैं उन समस्याओं का समाधान लेकर भी आज की क्लास में मैं लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो हम लोग इस ये जो समस्या है कि किस किताब को पढ़ी जाए और क्यों पढ़ी जाए तो उस वैसे समस्या को मैं सॉल्व करने वाली हूँ। देखिए, जैसे ही प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि आयोजित की जाती है या उसके फॉर्म निकलते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है स्टूडेंट का सिलेबस को देखना कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आपने सिलेबस देख लिया होगा, मुझे उम्मीद है। सिलेबस में दिया हुआ है कि 30 प्रश्न ऐसे होंगे जो झारखंड से संबंधित होंगे और ये 30 प्रश्न जो है वो काफ़ी वेटेज रखता है इस प्रतियोगिता परीक्षा में। मुख्य परीक्षा के अगर सिलेबस को देखिए, अगर झारखंड SSC CGL के, तो उसमें 40 प्रश्न ऐसे हैं जो झारखंड स्पेशल टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर 70 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा में झारखंड से संबंधित होंगे। स्टैंडर्ड हाई होगा प्रश्न पूछे जाने का, क्योंकि इसके पहले और भी जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की गई हैं तो उसमें झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाने का जो स्टैंडर्ड था वो अच्छा खासा स्टैंडर्ड था, अच्छा खासा लेवल था। तो आपको उस लेवल में तैयारी रखनी है। तो समस्या यहाँ ये आता है कि कौन सी किताब को पढ़ी जाए। यही समस्या का मैं समाधान लेकर आई हूँ कि किस किताब को आपको पढ़नी है। देखिए, मार्केट में बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, अलग अलग पब्लिकेशन के भी अवेलेबल हैं कुछ, और कोई ऐसा बुक नहीं है जिसमें कोई त्रुटि ना हो, कहीं कोई डेट में प्रॉब्लम है किसी के या कोई किसी का और होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा त्रुटि आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, लेकिन त्रुटि हर एक बुक में मिलेगी। तो आप इतनी कमियों को अगर देखेंगे या जैसे इसको बाल का खाल निकालना कहते हैं, तो आप कोई मार्केट में ऐसा बुक नहीं है या कोई यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं है जिसमें थोड़ी बहुत गलती नहीं हो या थोड़ी बहुत कमी ना हो, लेकिन आपको उसमें से एक अच्छा सा सेलेक्ट करना है और उसको पढ़ना है और इस प्रतियोगिता परीक्षा को निकालना है। तो मैं जो सजेस्ट आपको करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास झारखंड में निकलने वाले जितने भी पब्लिकेशन हैं उन सारे पब्लिकेशन का बुक मेरे पास है, क्योंकि मुझे पढ़ाना होता है तो मुझे रखना होता है, ना कि पढ़ने के लिए पढ़ाना है, और मुझे हर एक बुक में क्या लिखा हुआ है इसकी जानकारी रखनी होती है। तो मैं सारे बुक को पढ़ती हूँ, जैसे कि क्राउन पब्लिकेशन हो गया, शिवांगन हो गया, उड़ान हो गया, या फिर ये लुसेंट हो गया, या डॉक्टर मनीष रंजन की किताब हो गई, और भी अरिहंत पब्लिकेशन और भी जितने भी पब्लिकेशन हैं जो अपने बुक निकालते हैं सारे की किताब मेरे पास है, मैं रखती हूँ, मैं उसे पढ़ती हूँ और उसका निचोड़ ही मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर इस चैनल पे। लेकिन सारे बुक को तो आपको नहीं लेने हैं, आप सारे बुक को तो लेंगे नहीं, आपको इसमें से कोई एक बुक को निकालना है और उसको पढ़ना है, वही बुक मार्केट से लेने हैं। और जहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है जिस चैप्टर को समझने में, तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको पढ़ाते हैं, उस चैप्टर को क्लियर करते हैं, तो उन चैनल से आपको समझ लेना है, या फिर आप टीचर्स के हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करे हैं, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है जो किताबों से ही संभव है। शॉर्ट में ना करें, कोई भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानें आज की कौन सी किताब को आपको पढ़नी है। देखिए, मैं जो सजेस्ट आपको करूँगी वो होगा झारखंड लुसेंट। इसमें भी है कुछ कमी, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन झारखंड लुसेंट से ही अधिकतर प्रश्न ऐसे होते हैं जो पूछे जाते हैं। झारखंड PSC के मुख्य परीक्षा में भी झारखंड लुसेंट से ही प्रश्न पूछा गया था। सोचिए कि यहाँ ये कितना वेटेज रखता है। थोड़ा सा इसको पढ़ना टफ होता है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, लेकिन इसके लिए आप एक हेल्पिंग बुक ले सकते हैं, वो हो सकता है स्पर्धा का, हो सकता है शिवांगन का, हो सकता है, आसान शब्दों में लिखी हुई ये सारी किताबें हैं, लेकिन आप इसको हेल्पिंग बुक के रूप में आप रखेंगे, लेकिन आपको लुसेंट जो है वो कंप्लीट करना होगा। लुसेंट में जितने चीज़ें दी हुई हैं सब आपको याद रखनी होगी, क्योंकि यहाँ 70 प्रश्नों का सवाल है।
अगर बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा मैसेज आता है कि मैंने लूसेंट पढ़ रखा है, मैंने लूसेंट पूरा कंप्लीट कर लिया है, कोई और किताब आप बताइए, तो अगर आपको इससे ज़्यादा अगर आपको पढ़नी है और भी ज़्यादा जानकारी रखनी है झारखंड से संबंधित, तो उसके लिए मार्केट में सिर्फ एक ही बुक है, वो है डॉक्टर मनीष रंजन की किताब। डॉक्टर मनीष रंजन जो है एक IAS अधिकारी हैं, उनकी उनके द्वारा लिखी गई किताब छपती है मार्केट में झारखंड सामान्य अध्ययन की, तो आप उसको लेकर आएँ अगर ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो। नहीं तो झारखंड का जो लूसेंट है अगर उसको बेस में रख के अपनी तैयारी करते हैं तो वो इनफ होगा आपके लिए। और अगर हेल्पिंग बुक के रूप में अगर आप चाहते हैं कि झारखंड लूसेंट जो है वो वन लाइनर नहीं दिया हुआ है, काफ़ी डिस्क्राइब किया हुआ है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, तो आप उसके लिए एक हेल्पिंग बुक रख सकते हैं, स्पर्धा की भी ले सकते हैं, शिवांगन की, उड़ान की, कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन लूसेंट को बेस बनाइए। देखिए अगर बहुत ज़्यादा आप पढ़ना चाहते हैं, आपको चाहिए कि बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए झारखंड का, तो फिर आप डॉक्टर मनीष रंजन की किताब ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर मनीष रंजन की जो किताब है वो JPSC के सिलेबस पे आधारित वो किताब लिखी गई है, तो JPSC के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं उतनी जानकारी रखना तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान जो है वो कभी बेकार नहीं जाता है और ज्ञान रखना ही चाहिए और डिटेल में भी पढ़ना चाहिए, डीप अध्ययन करनी चाहिए, तो आप डॉक्टर मनीष रंजन की किताब ले लें। ये तो हो गई झारखंड स्पेशल जो बुक है उसके लिए, झारखंड स्पेशल जो टॉपिक आएंगे। मैं यहाँ इसी का जिक्र इसलिए कर रही हूँ, इसी टॉपिक का, क्योंकि मैं अपने चैनल पे सिर्फ आपको झारखंड से संबंधित ज्ञान जो होंगे वो दूंगी। इसके बाद जैसे ही मैं हिंदी लिटरेचर पढ़ाना शुरू करूँगी तो मैं हिंदी लिटरेचर कैसे पढ़नी है, कौन सी किताब को फॉलो करनी है, मैं वो बताऊँगी। कुछ समय के बाद हिंदी लिटरेचर पे भी एक मेरा वीडियो जाएगा कि आपको अभी कैसे तैयारी करनी है इस हिंदी लिटरेचर की, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि अभी से वो तैयारी स्टार्ट कर दें लिटरेचर का। देखिए आपको मैंने बताया झारखंड लूसेंट पढ़ने के लिए और मनीष रंजन की किताब पढ़ने के लिए, अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मनीष रंजन, और अगर आपको प्रतियोगिता झारखंड SSC के सिलेबस को कम्प्लीट करना है तो झारखंड लूसेंट काफ़ी है। ये तो हो गई आपकी एक समस्या जो बुक लिस्ट से संबंधित थी, उन समस्या का समाधान। दूसरी समस्या जो आती है निकल करके, बहुत सारे स्टूडेंट जो कमेंट करते हैं कि आपके वीडियो जो हैं वो मेरे लिए क्या हेल्पफुल हैं और कैसे मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ, ये विश्वास आप कैसे तैयारी कराएंगे। देखिए आप मैं जो पढ़ा रही हूँ झारखंड से संबंधित जो भी टॉपिक आपको दे रही हूँ, मैं काफ़ी गहराई से पढ़ा रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़े हुए हैं, जिनकी तैयारी हो चुकी है, जो झारखंड के बारे में अच्छी जानकारी रखे हैं, उनको वन लाइनर्स GK चाहिए। इसके लिए मैं एक लेकर आई हूँ जो वीडियो, जो मेरा अल्टरनेट करके आता है 500 प्रश्नों का जो संग्रह होता है झारखंड से संबंधित प्रश्नों का, तो वो मैं लेकर आई हूँ वैसे स्टूडेंट के लिए जिनकी तैयारी है झारखंड स्पेशल। लेकिन जो स्टूडेंट नई नई तैयारियों में लगे हैं, जो नए नए पढ़ना शुरू किए हैं झारखंड की ज्योग्राफी, झारखंड की हिस्ट्री, झारखंड की इकोनॉमिक्स, झारखंड की पॉलिटी या झारखंड विविध, तो वैसे स्टूडेंट के लिए मैं वीडियो दे रही हूँ एक दिन अल्टरनेट करके, मतलब एक दिन मैं 500 प्रश्नों का संग्रह देती हूँ और एक दिन ज्योग्राफी, झारखंड का ज्योग्राफी जो है वो पढ़ाती हूँ। थोड़ा सा मेरा यहाँ पर स्ट्रेटजी होगा वो चेंज होगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी कमेंट करते हैं कि आप पहले पढ़ा दीजिए फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराइए, तो थोड़ा सा मैंने चेंज किया है यहाँ पर उन सारे स्टूडेंट को ध्यान में रख के। देखिए झारखंड ज्योग्राफी मैं लेकर चली हूँ और इसको आपको कैसे पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर मैं करा दी हूँ वो मैं आपको बताते चलूँ। देखिए झारखंड भूगोल मैं पढ़ा रही हूँ। अब जो मैं झारखंड भूगोल पढ़ाऊंगी वो सोमवार से शुक्रवार तक मैं पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है 5 दिन लगातार मैं झारखंड ज्योग्राफी कराऊंगी, क्योंकि झारखंड ज्योग्राफी जैसे ही खत्म होगा झारखंड इतिहास विषय जो होगा वो शुरू हो जाएगा, तो 5 दिन झारखंड का ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी। इसके लिए आप एक कॉपी रखें और जो भी चैप्टर मैंने पढ़ाया है उसका एक शॉर्ट नोट्स तैयार करें, पूरा नहीं लिखना है आपको, जिस तरीके से आप अपने चाहे वो डायग्राम बना करके आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं, या जो मैं जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है आप सिर्फ उतना ही को लिखें, ऐसा नहीं है जो मैं बोल रही हूँ उसको भी आप नोट करते चलें, जितना मैंने लिखा है वो इनफ है समझने के लिए और उतने वहाँ से मतलब वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देगा उस चैप्टर पर। देखिए झारखंड का भूगोल सोमवार से शुक्रवार तक चलेगा, 500 प्रश्नों का जो मैंने क्लास स्टार्ट किया है, जो एक सीरीज स्टार्ट किया है, वो सप्ताह में एक दिन रहेगा शनिवार को सिर्फ एक दिन मैं कराऊंगी 500 प्रश्नों के सीरीज को, जिसमें मैं लगातार एक दिन में 30 या 32 प्रश्न बताती हूँ और उसका उत्तर जो होता है वो डिस्क्राइब करते चलती हूँ, तो वो एक दिन चलेगा शनिवार को। फिर
झारखंड करंट अफेयर भी करना है। झारखंड करंट अफेयर से भी प्रश्न जो है आपके दोनों प्रश्न पत्र में, चाहे वो प्रथम प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र हो या मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र हो, दोनों में प्रश्न पूछे जाएंगे झारखंड समसामयिकी से। तो उसको मैं कंटिन्यू करूंगी, वो प्रत्येक संडे को मैं हर रविवार को झारखंड करंट अफेयर का वीडियो दूंगी। तो सातों दिन मेरा वीडियो आएगा, 5 दिन तो झारखंड के ज्योग्राफी का होगा, 1 दिन जो होगा वो झारखंड वन लाइनर जीके का होगा, और 1 दिन होगा करंट अफेयर का। और आप इसका एक नोट्स तैयार करें वीडियो को देख के, और आप विश्वास कर सकते हैं मैं आपको सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। कैसे सिलेबस कंप्लीट हो रहा है और कुछ हो भी चुका है, चलिए हम लोग झारखंड की ज्योग्राफी में आप लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। जब मेरे चैनल पे जाइएगा तो एक प्लेलिस्ट ओपन होता है, प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, वहाँ पर आपको सारे वो मिल जाएंगे कि झारखंड की ज्योग्राफी में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है। देखिए, झारखंड का सामान्य परिचय मैंने पढ़ाया, इसे भाग एक है ये। फिर उसके बाद झारखंड के वन्य जीव अभ्यारण्य मैंने पढ़ाया है, वो भाग दो में है। फिर झारखंड के जलप्रपात, ये भाग तीन है, झारखंड के जलप्रपात भी मैंने बताया। झारखंड के गर्म जल कुंड भी मैंने पढ़ाया है, और झारखंड की मिट्टियां मैंने अभी लास्ट मतलब कल मैंने झारखंड की मिट्टियां पढ़ाया है। तो ये सारे चैप्टर जो हैं आपके क्लियर हो गए हैं। झारखंड के जलप्रपात या झारखंड के सामान्य परिचय से मैंने इसलिए स्टार्ट करा है क्योंकि थोड़ा आपको इंटरेस्ट भी आना चाहिए। पहला ही चैप्टर अगर टफ हो जाएगा तो फिर आप लोग का इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आगे चल करके मैं उन सारे चैप्टर को क्लियर करा दूंगी जो झारखंड के ज्योग्राफी के हैं। अब नेक्स्ट वीडियो किस पे होगा और आने वाले समय में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, आप इसको नोट डाउन भी करते चलिए ताकि आपको पता चले कि आने वाले समय में मैं आपको क्या पढ़ाने वाले हूँ। देखिए, नेक्स्ट क्लास होगा झारखंड की जलवायु मैं बताऊंगी। कुछ स्टूडेंट का ये भी कमेंट आया था कि झारखंड की जलवायु बताइए, अवश्य बताऊंगी झारखंड के अलग अलग क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है या झारखंड के में कैसी जलवायु है, तो ये मैं पढ़ाऊंगी आपको, नेक्स्ट वीडियो इसी पर होगा। फिर झारखंड के वन मैं पढ़ाने वाली हूँ, फिर झारखंड की नदियाँ मैं पढ़ाऊंगी, फिर झारखंड की कृषि, इसमें झारखंड में अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन से फसल बोए जाते हैं। कुछ स्टूडेंट ने ये भी कमेंट किया था कि झारखंड के एग्रीकल्चर के बारे में भी पढ़ाइए और कहाँ पर कौन से फसल का उत्पादन ज़्यादा होता है ये भी आप बताइए, ये भी मैं बताऊंगी। नेक्स्ट क्लास होगा खनिज संसाधन के, कुछ स्टूडेंट का ये भी कमेंट आया था, आप पेशेंस रखिए, धैर्य बनाए रखिए, वन बाय वन करके मैं आपको सारे ज्योग्राफी, ये झारखंड का ज्योग्राफी जो है वो कंप्लीट कराने वाले हूँ। झारखंड के उद्योग बताऊंगी, परिवहन जैसे सड़क हो गया, रेल मार्ग हो गया, हवाई जो हो गया, वो सब कुछ मैं आपको इसमें कंप्लीट कराऊंगी। झारखंड की जनसंख्या, जनगणना 2011 के आधार पर जनसंख्या का घनत्व क्या है, कहाँ कितनी जनसंख्या है, या फिर साक्षरता दर, ये सब कुछ जो आता है जनगणना के अंतर्गत आपको पढ़नी है, झारखंड की जनगणना 2011, तो ये भी मैं क्लियर कराऊंगी झारखंड की ज्योग्राफी में। जनजातियां और धर्म और भाषा, ये सभी कुछ होगा झारखंड की ज्योग्राफी के अंतर्गत, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद जब मैं शुरू करूंगी, जैसे ही झारखंड का ज्योग्राफी खत्म होगा, झारखंड का हिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगी, हिस्ट्री ऑफ झारखंड। झारखंड के इतिहास को मैं कंप्लीट कराऊंगी, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वन बाय वन होगा। झारखंड के रीति रिवाज, झारखंड में जनजातियों के रीति रिवाज, सदानों के रीति रिवाज या झारखंड वासियों के रीति रिवाज, कौन कौन से पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं, कैसे कौन कौन से नृत्य होती है, वाद्य यंत्र, संगीत, साहित्य, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा, तो ये भी मैं आपको कराने वाली हूँ। फिर झारखंड विविध पे हम लोग चलेंगे, झारखंड विविध में क्या होगा कि उसमें आपको झारखंड से संबंधित जितनी भी अन्य जानकारियाँ, जैसे कि खेलकूद हो गए, या खेलकूद में कौन कौन से स्टेडियम किस जगह पर है, या और भी अन्य जो बातें होती हैं झारखंड विविध में, जैसे झारखंड में प्रथम स्थान किसका है, कौन फिर अलग अलग पुरस्कार किसको कब मिले थे, तो ये सभी चीज़ों को हम लोग झारखंड के विविध में लेकर चलेंगे। और झारखंड के पॉलिटी को भी मैं पढ़ाऊंगी, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, अधिक से अधिक मेरा प्रयास होगा इन सभी झारखंड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं सबको मैं अपने चैनल पे क्लियर कराने वाली हूँ। आप पेशेंस रखिए, वन बाय वन करके मेरा पूरा प्रयास होता है कि कोई भी दिन बाकी ना जाए, और गैप तभी होगा या तो जब मेरी तबीयत खराब होगी तब गैप होगा, या फिर मैं जहाँ पर से मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उस जगह को छोड़कर मैं कहीं और होती हूँ जहाँ पर मुझे वाईफाई का सुविधा नहीं मिलता है,
तो फिर भी गैप हो सकता है, या फिर नेटवर्क अगर कोई प्रॉब्लम होता है, मेरे यहाँ कनेक्शन वाईफाई के कनेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको वीडियो नहीं मिल पाएगा। तो ये दो तीन रीज़न होगा वीडियो नहीं जाने का, अन्यथा मैं सिलेबस तो कंप्लीट कराऊंगी ही कराऊंगी, आप इस बात को मान करके चलिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो वातावरण होता है उसे मैं तैयार करूँगी। आप जितना भी कमेंट करते हैं, चाहे यूट्यूब पे हो या फिर व्हाट्सएप पे हो, सब पे मेरी नज़र होती है, सबको मैं फॉलो करती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट का यह समस्या भी है कि बोर्ड थोड़ा छोटा है, बोर्ड थोड़ा छोटा है। जब मैंने इसके पहले और भी छोटा बोर्ड था, मुझे लगा था कि ये बड़ा है, लेकिन ये भी पूरा कवर नहीं कर पाता है कैमरे में। इससे भी बड़ा बोर्ड मैं लेने वाली हूँ। थोड़ा सा मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने वीडियो की क्वालिटी को सुधारने में, क्योंकि जो वीडियो मैं बनाती हूँ वो वीडियो जो होता है एक छोटे से कैमरे से वो वीडियो बनता है, माफ कीजिएगा, मोबाइल से ही वीडियो वो बनता है, मोबाइल से ही मैं वीडियो अपलोड बनाती हूँ, मोबाइल से ही अपलोड करती हूँ, कोई एडिटिंग नहीं करती वीडियो में। और बहुत ही आसान तरीके से आपको वीडियो जो होता है वो मैं प्रोवाइड कराती हूँ, कम खर्च में, कम लागत में। थोड़ा सा अगर इसको वीडियो को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना है, इसी क्वालिटी में इम्प्रूव करना है, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। तो अभी मैं उसके लिए रेडी नहीं हूँ, जैसे ही इन्वेस्टमेंट के लिए मैं प्रिपेयर हो जाती हूँ, मुझे लगता है कि नहीं अब मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ, मेरे पास इतने मतलब पैसे हो गए खर्च करने के लिए, तो फिर मैं एक कैमरा भी लूँगी, अच्छा सा कैमरा लूँगी जिससे, और एक बड़ा सा बोर्ड लूँगी। बोर्ड में भी खर्च आता है, लेकिन वन बाय वन करके मैं आपके जो ये समस्या है क्वालिटी सुधारने वाला, तो वो भी मैं करने वाली हूँ। लेकिन फिलहाल आपको इसी में ही संतुष्ट होना होगा, इतना ही में आपको अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखनी होगी। मैंने आपको बताया कि आपको ये सारे जो चैप्टर हैं वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। कुछ स्टूडेंट का ये कमेंट भी आ रहा है कि जैसे सीरीज़ में मैं लिखूं कि पार्ट जो क्लासेस मैं दे रही हूँ, क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर, तो आज ही मैं ये काम कर देती हूँ, प्लेलिस्ट के जितने भी मेरे जो वीडियो मैंने दिए हैं झारखंड एसएससी सीजीएल के लिए, उन सारे प्लेलिस्ट में जो जिस क्रम में मैंने पढ़ाया है उस क्रम में सबसे पहले क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री ऐसे लिख देती हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपको लोगों को सुविधा हो जाएगी पढ़ने में, और क्लासेस को कैसे पढ़ने हैं, कौन से क्लास को पहले देखने हैं, कौन से क्लास उसके बाद देखने हैं, तो ये सुविधा आपको मिल जाएगी। तो ये सब में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कभी भी मैं बैठ के कर सकती हूँ। थोड़ा सा समय का भी अभाव मेरे पास रहता है, आप सभी को ऐसा आपके कमेंट के रिप्लाई भी मुझे देने होते हैं, मुझे वीडियो बनाने की तैयारी भी करनी होती है, घर के भी काम मैं ही करती हूँ, तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए ही मैं ये जो क्लासेस है उसको कंटिन्यू कर पाई हूँ। फिर आज के क्लास में तो बस इतना ही, इन्हीं इतना ही समस्याओं को मुझे आपके सामने रखना था। और भी अगर आप कमेंट करते हैं मुझे, और आपकी और अगर कोई और भी प्रॉब्लम होती है, तो उन सारे प्रॉब्लम को भी मैं सॉल्व करने का कोशिश करूंगी, और प्लेलिस्ट को सही तरीके से मैं अरेंज करूंगी। शायद आपके हिसाब से वो अरेंज नहीं है, तो मैं कर दूंगी, आज ही ये काम कर दूंगी। और बुक लिस्ट तो मैंने बताया कि आप इस किताबों को, क्योंकि सारे पब्लिकेशन को मैंने पढ़ रखा है, और सारे पब्लिकेशन के बुक्स मेरे पास अवेलेबल हैं, मैं सबको देख रही हूँ किसमें क्या लिखा हुआ है और कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों पे मेरी नज़र रहती है, और उसी आधार पे मैं आपको तैयारी करा रही हूँ। जाने के पहले मैं एक बार आपको ये कहूँगी कि आप एक नोट्स तैयार कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। मैं आपको नहीं करूँगी आप पूरी किताब की तरह आप उसको लिख दीजिए, छाप दीजिए, ऐसा कुछ नहीं करने का। शॉर्ट नोट्स बनाने का, जो मैं पढ़ाती हूँ उसको लिखते रहने का, लिखने से आपको याद हो जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कभी आपको नहीं बोलने वाले हैं। फिर इसके साथ साथ जब आप वीडियो देखते हैं, देखने मतलब आपको मैं जब पीडीएफ मैं प्रोवाइड कराऊंगी, तब जब मैं सारे चैप्टर को पढ़ा लूंगी, डिस्क्रिप्शन में उसके मैं लिंक आपको दे दूंगी जहां से आपको पीडीएफ जो होगा वो मिल जाएगा। लेकिन चैप्टर पढ़ाने के बाद, ज्योग्राफी पढ़ाने के बाद, आपको वहां से पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे झारखंड ज्योग्राफी के, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा पे करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड पे लिखा हुआ तो मैं आपको पीडीएफ में नहीं दूंगी, उसके लिए मुझे अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, अलग से नोट्स बनाने पड़ेंगे। मैं और उस पीडीएफ के बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूँ, उसमें क्या होगा, उसमें तो सबसे पहले आपको चैप्टर के डिटेल्स को दिए हूँ, जैसे कि झारखंड की मिट्टियाँ मैंने पढ़ाया, तो झारखंड की मिट्टियों के डिटेल्स ये रहेंगे। फिर उसके बाद एक शॉर्ट नोट्स रहेगा डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बता दूंगी, मैप के माध्यम से मैं आपको बता दूंगी कहाँ किस प्रकार की मिट्टियाँ हैं।
और शॉर्ट नोट्स के बाद आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी मिलेंगे उसी चैप्टर से संबंधित कि मिट्टियों से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे पीडीएफ की ये खासियत होंगे, जब भी मैं पढ़ाती हूँ मैं चाहती हूँ कि आप डिटेल में पढ़ाओ और आप भी डिटेल में किसी भी चीज़ों को पढ़ें। इस बात को हमेशा याद रखें कि JSSC CGL जो होने वाली है, जो इसकी एग्ज़ाम होने वाली है, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा, निगेटिव मार्किंग होंगे उसमें। निगेटिव मार्किंग को देखते हुए आप अपनी तैयारी रखिए। अगर आपके चैप्टर पे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आप उसका उत्तर 100% सही करके आएंगे। तो इसीलिए आपको मैं यहाँ डिटेल में पढ़ा रही हूँ। वन लाइनर्स भी पढ़ाऊंगी, बहुत सारे स्टूडेंट के पढ़े हुए हैं। वन लाइनर्स होंगे शनिवार को, झारखंड करंट अफेयर होगा संडे को, और बाकी का 5 दिन झारखंड ज्योग्राफी अभी लेकर चलूंगी। झारखंड इतिहास जैसे स्टार्ट होगा वैसे मैं 5 दिन झारखंड इतिहास पढ़ाऊंगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो वो सल्व हो गई होंगी, और वीडियो क्वालिटी से संबंधित समस्या आने वाले समय में वो सल्व हो जाएगी। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।